बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ब्लेमिन और आप देख रहे हैं लबेहज़ाद टीवी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐवान सदर के बाहर मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार उस्मान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, तारीख पे तारीख इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, बड़ा ही अहम मामला था और तारीख पे तारीख आती जा रही थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तारीख आ गई है और अब इलेक्शन कमीशन तो बहुत सीरियस है कि उन्होंने 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं। और उसकी वजह यह है कि पहले जो 28 जनवरी की तारीख दी गई थी, उसमें उन्होंने अब जो सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया है, वो है असल मौक़िफ़ और असल दस्तावेज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ने। तो 11 तारीख भी दी थी बीच में? जी बिल्कुल, 11 तारीख दी है और 11 फरवरी जो है वो इसलिए भी हतमी तौर पर तारीख कही जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पाबंदी लगा दी है कि 11 तारीख से अगर आगे कोई जाएगा और उसकी तौसीक की कोई दरख्वास्त लेके आएगा तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाज़ा तो बंद कर दिया कि अगर इलेक्शन होने हैं तो वो 11 फरवरी से पहले तो हो सकते हैं, 11 फरवरी से आगे नहीं जा सकते। अब उसके लिए तीन तारीखें तजवीज़ की गई। एक थी 28 जनवरी की, जो कि तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है आखिरी हफ्ते का जो जिक्र किया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, वो था इतवार का दिन, 28 जनवरी बनती है। उससे अगर आगे जाएंगे एक हफ़्ता और अगर आप उसको तौसी देते हैं तो फिर 4 फरवरी आ जाती है। उस दिन भी छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, जो इलेक्शन कमीशन को सूट करता है, जो कि छुट्टी वाले दिन इलेक्शन करवाने हैं। 4 के बाद अगला संडे जो आएगा वो है 11 फरवरी का। अब ये तीन जो तारीखें हैं जो डिस्कस की गई है, हमारे जो ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये तीनों तारीखें ऐवान सदर में यानी सदर मुमलिकत के सामने रख दी हैं और जो एक प्रोसेस था जो अदालती हुक्म के ऊपर जो मशावरत करनी थी, वो मशावरत का बड़ा अच्छा एक घंटे से ज़ायद ये अमल जारी रहा। उसके बाद ये अब चूँकि सुबह अदालत में इन तमाम तीन फरीकैन थे जिसमें हुकूमत की नुमाइंदगी अटारनी जनरल कर रहे थे, ऐवान सदर है और इलेक्शन कमीशन, ये तीन फरीक हैं, तीनों आज सर जोड़कर बैठे थे और जो तवील मीटिंग हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां, अपना टास्क, अपना काम वो सदर के सामने रख दिया। जो अटारनी जनरल थे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, जो फैसला था, वो तहरीरी तौर पर सदर मुल्कत के सामने रख दिया। तो अब मेरा ख्याल है कि सदर साहब के पास अब कोई जवाब बचता नहीं है कि वो इस बात को मज़ीद लिंगर ऑन करें, मज़ीद आगे लेकर के चलें। तो अब दावा तो यही है कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो इन्हीं किसी तारीखों में से, और ज़्यादा ज़ोर जो है वो 11 फरवरी का है कि सदर मुमलिकत जो है इसके ऊपर इत्तफाक राय हो सकता है और उसके बाद ये जो एक मामला था इलेक्शन ना होने वाला, ये अब अफवाहें दम तोड़ जाएंगी और मुल्क के मुस्तकबिल का तायुन करने के लिए इलेक्शन चूँकि बहुत ज़रूरी है तो वो अब इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है। सियासी जमातों के तहफ़ुज़ात थे और पीपल्स पार्टी का और बाकी जमातों का बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, वो तारीख दे। निगरान हुकूमत इस इंतज़ार में थी कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है वो तारीख देगा, उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जो बाकी मामला करने कतकलामी आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है और एक डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो क्या बावर कराया गया सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि दहशतगर्दी के हालात भी आपके सामने, तो इस मौजूदा सिचुएशन सूरत हाल में जो कि 2018 इलेक्शन भी आपके सामने, तो क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो बनाना पड़ता है और अभी तक तो इलेक्शन का माहौल नहीं है। आज की तारीख जिस वक्त हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं, अभी तक तो कोई माहौल नहीं है क्योंकि बहुत सारे इदारों में इलेक्शन सेल बनते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ में ये एक्टिविटी जनरेट होती है। अभी तक तो सिवाय मुस्लिम लीग नून के, वो भी नवाज़ शरीफ वापस आए और उसके लिए हल्ला गुल्ला हुआ, थोड़ा सा सियासत में हंगामा खेजी आई और अब वो माहौल नून लीग बना रही है। उन्होंने अपनी दरख्वास्तें भी फॉर्म भी जारी कर दिया कि जी आप दरख्वास्तें जमा करवाएँ। बाकी जमातों की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज के बाद ये हम कह सकते हैं कि ये हौसला अफजा बात है कि अब बाकी जमातें जो हैं उनको भी इस बात पर कम से कम इत्मीनान होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है, अब वो अपनी तैयारी करें और जो अब आगे आने वाले 2-3 महीने हैं उसमें वो अपनी कंपेन चलाएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें। और भरपूर तरीके से दुआ है कि अल्लाह करे पीसफुली, पुरमन, शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन इस मुल्क में हो जाएं ताकि इस मुल्क के मसाइल कम हो और ये मुल्क जो है वो आगे की जाने बढ़ सके। सर, मैं किसी पार्टी को डिपेंड नहीं करें, ओवरऑल बात करूँ, तमाम सियासी जमातों को यकसा रिज़ल्ट मिल जाएंगे इस इलेक्शन में यकसा? देखें, ये तो कुछ जमातों की के खदशात हैं कि शायद उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब का शिकवा कर रही है, मौलाना फजलुर्रहमान जो JUI है वो खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही है कि सब इलेक्शन में कूदें, जिसको वोट मिलेंगे उसको ज़ाहिर है वो कामयाब होगा, वो पार्लियामेंट में आ जाएगा, लेकिन
ये हमने देखा है कि इस मुल्क में 75-76 साल से ये प्रैक्टिस है कि जितने भी साफ शफाफ इलेक्शन करवा लें, किसी ना किसी ने हारने वाले ने तो वो ज़ाहिर है वो शोर करना होता है, उसके ऊपर धांधली का शोर मचाना होता है। ये तो पूरे मुल्क के इलेक्शन है। आप और मैं जो हमारी तंजीमें हैं उसमें भी जब इलेक्शन होते हैं तो इसी तरह होता है, हम भी खुद शोर मचाते हैं कि यार ये प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, और ज़ाहिर है यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो होती है, शफाफियत नहीं है, हमारे पास सिस्टम उस तरह का नहीं है जिस तरह बाकी दुनिया के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से इसको मसाइल आते हैं। लेकिन सबर शुक्र सारे ही करते हैं, सब आके फिर असम्बली में बैठते हैं, हारने वाले भी जीतने वाले भी, जिन्होंने हुकूमत में आना तो वो हुकूमत में आ जाते हैं, बाकी लोग जो अपोजिशन में बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल है अब चूंकि इलेक्शन का शेड्यूल और तारीख आ गई है तो अब शायद उस तरह का माहौल ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ज़्यादा जोर था कि पीटीआई को बाहर नहीं रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि किसी सियासी जमात को बाहर रख के आप इलेक्शन को शफाफ नहीं बना सकते हैं, और ये जमहूरी हक है कि हर जमात जो हर इंसान जो पाकिस्तान में है जो वोटर है वो हिस्सा ले सकता है, इंतखाबात में इलेक्शन लड़ सकता है। तो अब सियासी जमातें जो हैं उनके लिए सर बात हो रही जनरल इलेक्शन की, तो पाकिस्तान के बहुत सारे अजला शुमाली इलाके जात की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर इस टाइम तो बर्फबारी, कुछ अजला ऐसे कि वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो वहाँ कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे करेंगे इलेक्शन? अजी बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस इशू था और मौलाना फजल रहमान की जानब से जो मौक़ सामने आया था कि आप जनवरी के में अगर इलेक्शन करवाते हैं तो वहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा में या जो दीगर मुल्क के हिस्से हैं वहाँ पर ज़ाहिर है मौसम की सख्तियाँ भी होती हैं और वोटर के लिए घर से निकलना और वोट पोल करना एक मुश्किल अमल है। तो अब वैसे अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इस मौसम में भी हुए हैं और ये एक अमल है, उसमें अब अगर हम अपने काम के लिए निकलते हैं अपने घर से काम करने के लिए, ज़ाहिर है तमाम गर्मी सर्दी हम तो नहीं देखते हैं, धूप बारिश काम करते हैं, तो ये भी वोट जो है एक ऐसी कौमी इमानत है कि जिसको आपको ये इमानत जो है इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो आपको पसंद है उसको आप ज़रूर वोट दें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और मौसम की सख्तियाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी फैसिलिटेट करे वोटर्स को और गवर्नमेंट का जहाँ तक हिस्सा बनता है वो भी वोटर्स के लिए सहूलतें पैदा करे ताकि इस किस्म के मसाइल जो है वो ना आए और टर्न आउट अल्लाह करे कि पहले की तरह ना हो और एक भरपूर किस्म का इलेक्शन हो, लोग इसमें भरपूर हिस्सा ले, इसको एक एक्टिविटी बनाए, इसको एक फेस्टिविटी बनाए और अच्छे तरीके से इलेक्शन हो और अल्लाह करे कि पीसफुल इलेक्शन हो जाए, तो ये हम सब के लिए इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आपकी मौजूदगी का पैदा उठाते हुए मेरा ये है कि क्या हम इस इलेक्शन में भी यही देखेंगे कि कोई भी जुमात हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कि वो रात को 8 बजे 9 बजे गैलरी में खड़ी होती है और वो कहते हैं कि कल मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो क्या ये इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा? देखिए इस मुल्क पे शफाफ इलेक्शन जिसको कहते हैं आप के बैलेट जिसको कहते हैं कि जी बैलेट का रिज़ल्ट वो वाला तो बड़ा मुश्किल से होता है, और मैंने 2018 का इलेक्शन बहुत सारे इलेक्शन ऑब्ज़र्व किए, लेकिन 2018 का इसलिए मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं उस आधी रात को इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा हुआ था जब RTS बैठ गया या बिठा दिया गया या बल्कि सुला दिया गया उसको, तो 4 घंटे बाद जब वो जागा तो हमने जो रिज़ल्ट जिस तरह से देखे थे वो तो बड़ी ही बदकिस्मती इस मुल्क की थी कि जिस बेईमाना तरीके से इस इलेक्शन को मैनेज किया गया था और जिसको जितवाना था उसको जितवाया गया, जिसको हरवाने की ख्वाहिश थी उसको हमने देखा कि उसको हरवाया भी गया भले वो जीता हुआ हो, तो यही मसला है। और इसमें इलेक्शन इस अमल में सियासी जमातों को जो है वो बड़ा संजीदा और मैच्योर रोल प्ले करने की ज़रूरत है, वो इन तमाम मामलों के ऊपर देखें, अपनी सफ़ें दुरुस्त करें ताकि कोई और घुस बैठिया आके आपके इस काम में मुदाखलत ना करे और जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करता रहे। सुमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद और दुआ हमेशा ये कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए और इस बार हुकूमत के साथ इख्तदार के साथ साथ इख्तियार भी मिल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।